Assalamualaikum 6th class, today the date is 15th December 2020 and the day is Tuesday. We are going to start our lecture number 7 of unit 4 and we were reading about the different relationship between different organisms. Uh, so, we read about mutualism. म्यूचुअलिज्म इज़ अ रिलेशनशिप इन विच टू ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर ठीक है म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है वो दोनों एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते थे जिसकी एक मिसाल हमने पढ़ी थी हनी भी और आ, आ, ऐसे प्लांट्स की जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं यानी रस प्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या होता है कि हनी भी जो है वो फ्लावर से नेक्टर लेती है और बदले में प्लांट्स की पोलिनेशन कर देती है ठीक है तो so, इसी तरह सेकेंड रिलेशनशिप विच वी रेड वॉज अबाउट पैरासाइटिज़म ठीक है पैरासाइटिज़म एक ऐसा रिलेशनशिप था इन विच वन ऑर्गेनिजम गेट बेनिफिट एंड द अदर इज़ हार्म यानी एक जानदार को तो फायदा पहुंचता है और दूसरे को नुकसान पहुंचता है ठीक है और हम इसमें डेफिनेशन पढ़ी थी द पार्टनर विच बेनिफिट्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप इज़ कार्ड पैरासाइट यानी वो इस रिलेशनशिप में जिस ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है उसे पैरासाइट कहते हैं और जिसको नुकसान पहुंचता है उसको हम होस्ट कहते हैं ठीक है हाँ जी तो अब अपनी नेक्स्ट पेज नंबर फिफ्टी से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं टिपिकली द पैरासाइड लिव्स ऑन द होस्ट एंड एंड फीड्स बाय सकिंग द ब्लड ऑफ द होस्ट और बाय रिलीजिंग सब्सटेंसेस विच आर पॉइजनस टू द होस्ट अब अब उमन क्या होता है कि पैरासाइड जो है वो होस्ट पर रहते हैं और उसके ब्लड से वो है उसके ब्लड को वो सक करते हैं और उससे अपने ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हासिल करते हैं और बदले में उसको होस्ट को Uh, ऐसे उसके अंदर सब्सटेंसेस uh, रिलीज करते हैं जो उस होस्ट के लिए यानी जिससे वो अपनी खुराक ले रहे हैं उस होस्ट के लिए वो पॉइजनस होते हैं जिस तरह लाइस और फ्लीज हैं ये लिव ऑन बॉडीज़ ऑफ लार्जर एनिमल्स यानी बड़े एनिमल्स के एग्जाम पर रहती हैं दे फीड ऑन द ब्लड ऑफ द एनिमल और ये uh, उन जानवरों का खून चूसती हैं राउंड वर्म्स और टैब वर्म्स जो हैं ये भी पैरासाइट्स हैं विच लिव इन द गट्स ऑफ एनिमल्स और uh, यानी जो एनिमल्स हैं उनकी गट यानी खुराक की नाली में रहते हैं दे बेनिफिट बाय टेकिंग इन होस्ट न्यूट्रेंट्स और वो फायदा उठाते हैं किससे जो होस्ट के अंदर जो न्यूट्रेंट मौजूद हैं उनसे टिक्स uh, जो हैं वो लिव uh, करती हैं डॉग्स के ऊपर और दूसरे लार्ज एनिमल्स एंड फीड ऑन देयर ब्लड सम प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड कुछ प्लांट्स अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते लाइक like कस्क्यूटा है और डी ऑबेन करते हैं फूड एंड नरिशमेंट बाय क्लिंगिंग टू होस्ट प्लांट्स यानी ये क्या करते हैं ये चिपक जाते हैं किसके साथ होस्ट प्लांट या किसी दूसरे मेजबान प्लांट्स के साथ ठीक है दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स और इनको हम क्या कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स ठीक है ये आपने यहाँ से स्टार्ट से हाईलाइट करना है इसको सम प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड से लेकर पैरासिटिक प्लांट्स तक अब ये क्या करते हैं दे यूज देयर रूट्स टू एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द होस्ट प्लांट्स ये अपनी रूट्स को यूज़ करते हैं और जो होस्ट प्लांट है उसकी ब्रांचेस से ये अपनी फूड लेते हैं कस्क्यूटा जिसको डॉडर भी कहते हैं हैज़ नो क्लोरोफिल इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है क्योंकि ये अपनी खुराक खुद उतनी तैयार कर सकता है ठीक है क्लोरोफिल आपको पता है नेसेसरी होता है फॉर फोटोसिंथेसिस अब कस्क्यूटा के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता सो इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस स्टेड इट ग्रोज ऑन अदर प्लांट्स बजाय इसके वो अब वो खुद तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो क्या होता है कि वो किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो करता है उसके न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है फॉर इट्स ग्रोथ अपनी ग्रोथ के लिए एंड वीकनिंग द होस्ट प्लांट और होस्ट प्लांट को ये वीक करता है जी तो थर्ड रिलेशनशिप है प्रिडेशन प्रिडेशन इज अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म किल्स एंड ईट्स एन अदर प्रिडेशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार को मारता है और उसे खाता है ठीक है ये अपने प्रिडेशन की डेफिनेशन यहाँ तक हाईलाइट करनी है उसके बाद प्रीडेटर और प्रे की डेफिनेशन है द ऑर्गेनिज्मी वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे जानदार को अपनी खुराक के लिए मारता है उसे प्रीडेटर कहते हैं और ऑर्गेनिज्म दैट इज किल्ड एज फूड जिसको खुराक के तौर पर मारा जाता है उसे प्रे यानी शिकार कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जिराफ और फूड यानी एक लाइन जो है वो जिराफ को यानी जराफा जो होता है उसको वो मारता है फॉर फूड खुराक के लिए इन दिस केस जो है प्रीडेटर और जिराफ जो है वो प्रे है कुछ प्लांट जैसे कि पिक्चर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप है आल्सो कैच फ्लाइंग इंसेक्ट्स ये उड़ते हुए जो इंसेक्ट्स हैं उनको कैच करते हैं एंड आर्ट फॉर फूड और च्यूटियों को भी अपनी खुराक के लिए जी तो नेचुरल हैबिटेट जो है विनस फ्लाई ट्रैप का है सोयल कंटेनिंग वेरी फ्यू मिनरल्स ऐसी सॉइल के अंदर पैदा होते हैं जो जो जिनके अंदर मिनरल्स बहुत कम होते हैं लीव जो हैं प्लांट के आर टू तो कैच एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट ठीक है इसके प्लांट इस प्लांट्स के पत्ते जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वो इंसेक्ट्स को कैच भी कर सके उसे उससे डाइजेस्ट यानी हजम भी कर सके संडियो जो है वो इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट जनरा ऑफ कार्नी प्लांट यानी कार्नी प्लांट की सबसे बड़ी जो जेनरा है सबसे बड़ी जो फैमिली है वो संडियो प्लांट की है विद एट लीस्ट वन 34 स्पीशीज जिसकी यानी 100 चुरान में एक, एक है ठीक है द प्लांट फीड्स ऑन इंसेक्ट ये पौधे हशरात को खाते हैं विच अट्रैक्ट टू द ग्लिसनिंग ड्रॉप्स ऑफ म्यूसिलेज और जो हशरात है वो अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ किस वजह से ग्लिसनिंग ड्रॉप यानी इनके ऊपर चम, चमकते हुए कतरे जो है वो म्यूसिलेज के नमूदार होते हैं ये देख रहे होंगे आप ये यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पे ये म्यूसिलेज है ठीक है म्यूसिलेज क्या है स्टिकी सब्सटेंस है जो इन सनड्यू प्लांट्स के अंदर जो है ना वो प्रोड्यूस होता है लोडेड विद अ शुगरी सब्सटेंस और ये भरा होता है यानी ये, ये शुगरी होता है ये सब्सटेंस जो है कवरिंग इट्स लीव और इसके पूरे लीव्स के ऊपर ये फैला होता है अब इसके बारे में अमेजिंग फैक्ट क्या लिखा हुआ है सनड्यू हैव इसको भी आप हाईलाइट करें सैंड यू हैवर्ल्ड देर कार्निवोरस बिहेवियर इन रेस्पॉन्स टू देयर हैबिटेट वो अपने के लिए कह रहा हैं कि क्योंकि उनका हैबिटेट ऐसा था ना हमने पढ़ा ऊपर कि उनके अंदर बहुत कम मिनरल्स होते हैं इस से इनके अंदर एवोल्यूशन हुई इनके कार्वोरस बिहेवियर की विच इज इधर पोअर इन न्यूट्रंस क्योंकि इनकी सॉयल जो है वो पोअर इन न्यूट्रंस होती है और सो so एसिडिक या एसिडिक होती है दैट न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी इज वियरली डिक्रीज के वहाँ पर जो गजाई की दस्तियाबी है वो बहुत कम हो जाती है उसके बाद ये रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में फिल्म द्लैंक्स दी, दी हुई है इन अ ब्लैंक रिलेशनशिप वन ऑर्गेनिज्म सर्व्स एज अ होस्ट टू अनदर ऑर्गेनिज्म यूजुअली टू द होस्ट डिसएडवांटेज यानी एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें होस्ट जो है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे जानदार का होस्ट बनता है और बदले में होस्ट को जो है ना नुकसान पहुंचता वो है वो पैरासिटिक रिलेशनशिप है ठीक है इधर आएगा पैरासिटिक और उसके बाद है ऐसा रिलेशनशिप इन विच वन मेंबर ऑफ द रिलेशनशिप इज़ नीदर हेल्प्ड नॉर हार्ड एंड द अदर मेंबर डिराइव सम बेनिफिट यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक मेंबर को ना तो फायदा पहुंचता है ना नुकसान जबकि दूसरे मेंबर को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है उसको हम कहते हैं कोमेंसलिज्म ठीक है ये म्यूचुअलिज्म की एक टाइप है कोमेंसलिज्म भी फिर है रिलेशनशिप इन विच बोथ मेंबर्स बेनिफिट ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों मेंबर्स को फायदा होता है वो म्यूचुअलिज्म है ठीक है म्यूचुअलिज्म उसके बाद है जी फोर्थ पे दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर वो जानदार जो मैटर को तोड़ते हैं वो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं जी तो स्टूडेंट्स पेज नंबर पर है जी ब्रेन टीजर दिया हुआ आपको सबसे पहले अक्रॉस वाले पढ़ लेते हैं द रिलेशनशिप द टू ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट फ्रॉम एचर अदर यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा पहुंचता है तो ये हमने अभी पढ़ा था ये म्यूचुअलिज्म है ठीक है तो ये टॉप पे आ जाएगा म्यूचुअलिज्म फिर सिक्स वाला जो अक्रॉस है द एयर इन इट इज़ वेरी ह्यूमिड ड्यू टू हैवी रेनफॉल यानी कौन सा वो जगह है कौन सा हैबिटेट है जिसमें हवा जो है वो बहुत नम होती है और किस वजह से ड्यू टू तो हैवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से ठीक है तो ये रेन फॉरेस्ट है ये सिक्स वाली प्लेस पर आ जाएगा रेन फॉरेस्ट उसके बाद सेवन्थ है दे आर ड्राई ऑफन सैंडी रीजनज हैं ये दैट रिसीव वेरी लिटिल रेन और बहुत कम बारिश होती है तो आपको पता है कि ये डेजर्ट्स हैं ठीक है तो ये सेवन वाले ब्लॉक पर यहाँ नीचे इधर डेजर्ट्स आ जाएगा ठीक है अब डाउन देखेंगे हम डाउन दी कॉलम ठीक है कि क्या क्या आएंगे वहाँ पे दे हेल्प टू ब्रेक डाउन डेड एनिमल्स इंटू स्मॉलर पीसिस यानी डेड एनिमल्स को छोटे पीसिस में कौन तोड़ते हैं स्केवेंजर्स हैं ठीक है तो ये देखें सेकेंड वाले पे इधर आ जाएगा स्केवेंजर्स फिर है इट इज़ थर्ड पे इट इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव वो प्लेस जहाँ जानवर और पौधे रहते हैं तो वो उनका हैबिटेट कहलाता है तो ये लास्ट पे इधर थर्ड है कॉलम हैबिटेट थ्री पे हैबिटेट नंबर फोर है इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप वन ऑर्गनिज्म रिसीव बेनिफिट एंड द अदर इज यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक जानवर को फ़ायदा पहुंचता है और दूसरे को नुकसान तो ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा है कि ये कौन सा रिलेशनशिप है

अटैम्प्ट uh, करें नंबर वन वाला द नेचुरल होम जो है किसी ऑर्गेनिज्म का वो उसका हैबिटेट कहलाता है सी वाला ऑप्शन हैबिटेट डेजर्ट्स आर डोमिनेटेड बाय डेजर्ट्स में ज़्यादातर क्या है कैक्टाई ठीक है उसके बाद है लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स मेकअप द यानी लिविंग थिंग जैसा कि पौधे और जानवर मिलकर क्या बनाते हैं तो यहाँ पे जो थी ना ए बायोटिक कम्पोनेंट ये रोंग लिखा हुआ है इसका ए आप कट कर दें और थे ये पीछे बचेगा बायोटिक कंपोनेंट तो लिविंग थिंग्स जो है वो यानी प्लांट और एनिमल ये बायोटिक कम्पोनेंट हैं ठीक है अब ना तो ये टेरिस्ट्रियल हैबिटेट बनाती है ना ये इन्वायरमेंट क्योंकि इन्वायरमेंट में आपके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो फिजिकल इन्वायरमेंट है आपका वो भी शामिल होता है और एटमोसफेयर में भी ठीक है तो लिविंग थिंग सच एज़ प्लांट और एनिमल जो है मेकअप द बायोटिक कंपोनेंट ए काट दें यहाँ पर स्टार्ट से फिर फोर्थ है आइडेंटिफाई द हैबिटेट है विच रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल जहाँ बहुत कम बारिश होती है वो डेजर्ट्स हैं बी वाला ऑप्शन डेजर्ट फिर फाइव पे है पिक आउट ऑफ द इनकोरेक्ट पेयर इनकोरेक्ट पेयर आपने ढूंढना था फ्रोग और रोशन देखिए फ्रोक कभी भी साल्टी वाटर में नहीं रह सकते ठीक है तो ये जो पहला ही पेयर है आपका फ्रोग और रोशन वाला ये इनकोरेक्ट पेयर है कैमल और डेजर्ट वाला पेयर भी ठीक है लाइन ग्रास लैंड में रहते हैं ये भी पेयर ठीक है वेल इक्वेटिक एनिमल है ये भी पेयर ठीक है तो इसमें से इनकोरेक्ट पेयर क्या था फ्रोग और ओशन का यानी ए वाला प्रोड्यूसर्स आर मेनली बार बार हमने पढ़ा प्रोड्यूसर्स क्या हैं प्लांट्स हैं ठीक है प्रोड्यूसर्स आर मेनली प्लांट्स सी वाला आएगा फिर सेवन पे आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर अमंग फॉलोइंग इनमें प्राइमरी कंज्यूमर क्या है तो हमने पीछे रीडिंग में पढ़ा था कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या है हरबी वर्स हैं क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं ठीक है तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या हुए है वर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडेटर इन चारों में से प्रीडेटर क्या है देखें लाइन है जो गोट को भी खा सकता है हेन को भी और जिराफ को भी तो लाइन प्रीडेटर है ठीक है से कौन पैरासाइट नहीं टिक भी पैरसाइट है लाइस भी पैरासाइट है राउंड वर्म भी पैरासाइट है तो पीछे क्या बचा ईस्ट ठीक है ईस्ट जो है वो पैरासाइट नहीं है डी वाला ऑप्शन आएगा हनी बी और फ्लावर हमने अभी पढ़ा की हनी बी और फ्लावर किसकी मिसाल है म्यूचुअलिज्म की तो इसमें भी सी वाला आएगा ठीक है फिर ये मैच दी कॉलम है इको है तो ये यहाँ से वाला आ जाएगा ecosystem को आप मैच करेंगे ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन क्या है कि किसी भी एनवायरमेंट की तमाम जानदार और बेजान चीजें एनवायरमेंट एनवायरमेंट में जो तमाम जानदार बेजान चीजें इको बनाती हैं और डीकम्पोजर का ये फर्स्ट वाला है कि कैसा ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन डेड प्लांट और एनिमल मैटर जी तो रिमेनिंग आपका कॉलम है प्रीडेटर प्रीडेटर को आप यहाँ से फोर्थ वाले के साथ मैच करेंगे एन एनिमल एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल्स एंड ईट्स प्रीडेटर क्या हमने पहले ही पढ़ा है है कैसा जो दूसरे जानवर को मारता है और उन्हें खाता है और प्रे प्रे के बिल्कुल सामने सेकंड वाली जो लाइन है सेंटेंस है वो इसका ऑप्शन है इसको हम मैच करेंगे एन एनिमल दैट इज हंटेड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स यानी ऐसा जानवर जिसको दूसरे जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार बनता है ठीक है तो प्रे आ जाएगा उसके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल फिर म्यूचुअलिज्म के लिए यहाँ पे इस पेज पे जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंट्रक्शन है बिटवीन टू स्पीशीज इन विच बोथ बेनिफिट यानी जिसमें दोनों को फायदा होता है पैरासाइटिज्म का ये थर्ड वाला सेंटेंस इसको पैरासाइटिज्म को हम थर्ड वाले सेंटेंस से मैच करेंगे स्पीशीज इंट्रैक्शन वे आर वन बेनिफिट वन इज़ हार्म पैरासाइटिज्म ठीक है यानी ऐसी स्पीशीज़ का इंट्रैक्शन जिसमें एक को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान पहुंचता उसको है उसको पैरासाइटिज्म कहते हैं हैबिटेट का बिल्कुल इसके सामने लास्ट वाला सेंटेंस है ऐसा इन्वायरमेंट वे आर लिविंग थिंग गेट्स ऑल इट नीड्स टू लिव यानी एक एन्वायरमेंट जिसमें किसी भी जिंदा जानदार को रहने के लिए तमाम ज़रूरियात उसकी मुहैया होती हैं ठीक है तो जी uh, स्टूडेंट्स अब आपने ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया रीडिंग कंप्लीट हो गई है वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट हैं तमाम ऑब्जेक्टिव हो गई है कॉन्सेप्ट जो लास्ट पे दिए हुए हैं वो भी हो गए हैं और रीडिंग में से भी हाईलाइट करवा देंगे आपने ये पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है ठीक है ईच एंड एवरी जो है वो आपने कर ली है और अच्छे से आपने रीडिंग करेंगे तो आप रीडिंग वाले भी कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर सकते हैं